वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज मुस्कान एंड आई एम बैक विद माय अनदर फेस्टिव वीडियो. सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एंड शो यू द ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ माय लिपस्टिक्स. एंड मैं आपको कुछ 5-6 लिपस्टिक्स दिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और हर इंडियन स्किन टोन पे मैच करेंगी, चाहे वो फेयर स्किन हो, चाहे वो थोड़ी डार्क टोन में आ जाए, चाहे कोई भी स्किन हो. बट ये वाली लिपस्टिक जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वो परफेक्टली सूट करने वाली है कोई भी स्किन टोन पे. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स एक्चुअली जंप इनटू द वीडियो. एंड एज वी नो कि फेस्टिवल सीजन आ चुका है, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आई थी, उसके बाद फिर हमारा नवरात्रे आ गए एंड उसके बाद दिवाली आएगी, तो ऐसे फेस्टिवल आते रहेंगे बहुत सारे. बट द कॉमन थिंग इज कि हमको चाहिए लिपस्टिक जो हमारे आउटफिट पे भी मैच कर जाए, हमारी स्किन टोन की भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसी लिपस्टिक हो जो हम उसे बार बार वियर कर पाएं. तो ये 3-4 चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि फेस्टिवल का भी ध्यान रखना है, मुझे आउटफिट का भी ध्यान रखना है क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिनका अलग अलग आउटफिट होने वाला है, प्लस स्किन टोन का भी ध्यान रखना है क्योंकि मेरी जो स्किन टोन है वो सबकी नहीं है और जो सबकी है वो मेरी नहीं है. तो सबकी स्किन टोन का पूरा पूरा ध्यान रखा है इस वीडियो में. सो आपको फर्स्ट लिपस्टिक जो दिखाने वाली हूँ वो ये वाली लिपस्टिक है. आज हम न्यूड के साथ साथ बोल्ड दोनों की चीज़ों को कंपेयर करते हुए चलेंगे. तो फर्स्ट थिंग जो है हमारी है ये वाली लिपस्टिक है. दिस इज द मिस क्लेयर लिपस्टिक एंड इट इज परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन. आपकी डार्क स्किन टोन है, चाहे लाइट स्किन टोन है, चाहे डस्की स्किन टोन है, कैसी भी स्किन टोन है, आपके लिए परफेक्ट रहेगी ये वाली लिपस्टिक. ये है शेड नंबर 57. इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे अभी नहीं पता क्योंकि मैंने कितनी जगह देख ली, ये अवेलेबल ही नहीं है, हर जगह ये सोल्ड आउट हो चुकी है वाली लिपस्टिक. सो मुझे नहीं पता ये वाली अवेलेबल होगी या फिर नहीं, क्योंकि अभी राइट नाउ तो ये नहीं है कहीं भी अभी अवेलेबल. बाकी ये 57 शेड नंबर है. ये आपको मिले तो प्लीज़ इस पे जरूर जाएं, आप ये वाली ज़रूर खरीदें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर एक स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी क्योंकि मेरी स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, प्लस डार्क स्किन टोन जो होती है उस पे भी एकदम परफेक्ट लगती है क्योंकि ये न्यूड शेड है. नवरात्रि का सीज़न आ गया, चनिया चोली पहन रहे हो अगर आप, तो उस पे भी परफेक्ट रहेगी क्योंकि हमारे नवरात्रों में एकदम ब्लिंगी सा आउटफिट होता है, उस पे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा न्यूड मेकअप रखे, तो उसके लिए परफेक्ट रहेगी ये वाली लिपस्टिक. और मैं आपको थोड़ा सा बोल्ड में भी दिखाऊंगी, डोंट टेक टेंशन. जो नेक्स्ट लिपस्टिक मैं आपको दिखाने वाली वो है स्विस ब्यूटी की ये वाली लिपस्टिक है, एज यू कैन सी. एंड दिस इज द परफेक्ट थिंग फॉर एवरीथिंग. ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये एक तो स्विस ब्यूटी की है और इसका शेड नंबर है 20 पेरिस फैशन. ये हमारे लिए खरा सोना है. ये वाली लिपस्टिक मैंने कभी भी खाली नहीं लगाई, ये लिपस्टिक हमेशा मैं मिक्स करके लगाती हूँ कोई भी लिपस्टिक के साथ. अगर आप मान लो कोई फेस्टिव सीजन है, आपको कोई भी डार्क लिपस्टिक लगानी है, डार्क लगाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है ये क्या लगा लिया इतना ज़्यादा डार्क, तो उसके साथ ये मिक्स करके लगाओ एंड यू विल डेफिनेटली गोना किल इट. ये लिपस्टिक हमेशा मैंने ऐसे ही यूज़ करी है. इसका ना लाइट शेड है बहुत ज़्यादा, आप देखो इसका शेड जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट है और इतना लाइट हमारी स्किन टोन पे तक अच्छा नहीं लगेगा. कोई भी डार्क लिपस्टिक लगाओ उसके साथ मिक्स करो एंड जो शेड आएगा ना बहुत खतरनाक आने वाला है. एंड प्लीज़ आप लोग लगाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना अच्छा शेड आया. ये मुझे पड़ी थी 211 की और मेरे ख्याल से 211 ऐसी लिपस्टिक के लिए बहुत परफेक्ट है क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी अप्लाई होती है, क्योंकि मिक्सर के लगा रही हूँ तो उसके लिए एकदम परफेक्ट रहती है. ये कोई भी स्किन टोन उसके साथ परफेक्टली मैच होने वाली है ये लिपस्टिक. द नेक्स्ट थिंग वी हैव दिस माइग्लैम की लिपस्टिक, एज यू कैन सी, एंड दिस इज द परफेक्ट फॉर एवरी ओकेजन. ये हमारे पूरी फेस्टिवल वाली वाइब्स देगी ये वाली लिपस्टिक. आपका कोई भी आउटफिट हो, पिंक कलर तो गर्लिश ही होता है ऑलवेज एंड एवर, कोई भी स्किन टोन पे चलती है क्योंकि डार्क कलर है तो हमेशा लाइट स्किन टोन पे भी चलेगा, डार्क पे भी चलेगा, तो कोई भी चल जाएगा ये. और एकदम गर्लिश सा, क्यूट सा पिंक है, एकदम ब्राइट सा, तो ये मुझे एकदम परफेक्ट लगती है. और इसका कैप पेन शेड नंबर है और ये मुझे पड़ी थी 197 की, जो कि 200 रुपये से भी कम है, तो मुझे एकदम ठीक लगी और क्वांटिटी तो काफ़ी है, इतनी बड़ी लिपस्टिक है तो मुझे काफ़ी सही लगी ये वाली लिपस्टिक. सो नेक्स्ट वी हैव अनदर माइग्लैम लिपस्टिक विच इज़ दिस वन, और ये लिपस्टिक 18 शेड नंबर है स्विंगर. ये मुझे काफ़ी प्रिटी लगती है क्योंकि ये ब्राउन शेड है एंड टिपिकल ब्राउन शेड मेरे पास नहीं था और ये एकदम परफेक्ट ब्राउन है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, मतलब एक मिनिमल सा परफेक्ट शेड जो होता है ना ब्राउन टोन में वो यही है. तो माइग्लैम की ये लिपस्टिक मुझे पड़ी थी 185 रुपीज़ की एंड दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर एवरी स्किन टोन. मेरी इसी स्किन टोन के लिए भी एकदम परफेक्ट रहेगा और जो डार्क स्किन टोन होते हैं उन पे ऐसी ब्राउन लिपस्टिक तो उनके लिए एकदम
मतलब मैं क्या बताऊँ, उनके लिए गोल्ड के बराबर है, हीरा है उनके लिए। तो ऐसी ब्राउन कलर की शेड उन पर बहुत प्रिटी लगते हैं एंड आई रियली लाइक दैट ब्राउन स्किन टोन, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वैसी स्किन टोन के लिए ये वाली ब्राउन लिपस्टिक बहुत अच्छी है। एंड इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ ब्यूटिफुल लिपस्टिक एंड शेड तो प्लीज़ गो फॉर दिस वन, ये आपके लिए परफेक्ट रहेगी मेरे दोस्त। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस रेड कलर की स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक जो कि बहुत परफेक्ट है। स्विस ब्यूटी तो नाम से ही एकदम ऐसी है कि उसकी रिस्पेक्ट है मेरे लिए। तो स्विस ब्यूटी की ये वाला शेड है 13 शेड नंबर रिच रेड, ये एकदम परफेक्ट रेड है, ब्राइट कलर। एंड इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ एकदम डार्क सी लिपस्टिक जो होती है ना, प्रिटी सा रेड कलर होता है ना, एकदम ब्राइट सा, जो अटेंशन सीकर होता है रेड कलर, वो यही वाला है। मरून नहीं है ना ही ऑरेंज टोन में है, ये एकदम परफेक्ट रेड कलर है, काफ़ी सुंदर लगेगा। कॉम्प्लीमेंट आपको जरूर मिलेंगे क्योंकि मुझे भी मिल रहे हैं इस लिपस्टिक को लेके। आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है और काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, गंदा भी हो गया आप देख सकते हो। अगर रेड कलर चाहते हो इस फेस्टिवल पे लगाना तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस वन। ये है 13 शेड नंबर रिच रेड एंड ये मेरे को पड़ा था 199, विच इज़ द गुड थिंग क्योंकि 199 में काफ़ी ठीक मिल रही, क्वान्टिटी भी मिल रही है और शेड तो ब्यूटीफुल है। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक जो टिन मैट स्टिक लिपस्टिक है और कलर लाइफ की इतनी ब्यूटीफुल लिपस्टिक है ना ये। इसका शेड नंबर है बॉलीवुड न्यूड और ये आपको पड़ेगी 268 की, ये वन ऑफ द महंगीस्ट। तो ये मेरे पास सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लिपस्टिक है इन सब में से, तो मैं ज़्यादा महंगी लिपस्टिक पे बिलीव नहीं करती क्योंकि हमको इतने अफोर्डेबल रेट में इतनी परफेक्ट लिपस्टिक और सुंदर शेड मिल रहे हैं तो मैं क्यों इतनी महंगी लिपस्टिक पर खरीदूँ और पैसे वेस्ट करूँ। ये वाली सबसे महंगी है अभी तक की, बाकी इतनी महंगी भी नहीं है, बाकी ये ठीक है। 268 रुपीज़ की मुझे पड़ रही है और बहुत परफेक्ट शेड लगता है ये मुझे हर स्किन टोन के हिसाब से, क्योंकि मेरी स्किन टोन के हिसाब से तो है ही परफेक्ट क्योंकि मैं लगाती हूँ ऑब्वियसली, इसलिए मैंने खरीदी है। प्लस मेरी फ्रेंड ने भी ये लगाई थी, उसका थोड़ा सा डार्कश टोन में स्किन टोन है बट उसके फेस पे भी इतनी पसंद आई थी ना मुझे, एंड उसने मुझे बोला था कि मुझे ये वाला शेड नंबर चाहिए बिल्कुल, तो उसने मुझे बोला था ये वाला इसका शेड नंबर मुझे बता और मैं अभी इंस्टेंटली ऑर्डर करूँगी। तो ये शेड हर स्किन टोन पर बहुत परफेक्ट रहता है, आपको भी परफेक्टली फिट हो जाए आपकी स्किन टोन पे। एंड इसका मैं आपको बता दूँ ये बॉलीवुड न्यूड है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और ये बहुत सुंदर लगने वाला है हर स्किन टोन पे। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपकी स्किन टोन पे कैसा लगा आपने जब खरीदा उसके बाद। एक गोल्डन चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, लिपस्टिक की बातें बहुत हो गई बट फेस्टिवल के हिसाब से हम आज आए हैं बात करने, तो उसके हिसाब से आपको कुछ थोड़ा सा एडवांटेज भी तो देनी चाहिए। तो हमारे पास ये टिंट है, टीन का है ये भी, और ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ों में से एक है। थोड़ा सा ग्लॉसी तो होना चाहिए ना इस फेस्टिवल में, तो आप ये लगा सकते हो कोई भी लिपस्टिक के ऊपर, बहुत परफेक्टली सूट होता है कोई भी स्किन टोन पे। आपको पता है स्किन टोन की बात ही क्यों कर रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि ग्लॉस है, कोई भी लिपस्टिक पे लगाओगे अच्छा ही लगने वाला है। न्यूड पे लगाओगे कि न्यूड ग्लॉस लगेगा, डार्क पे लगाओगे तो एकदम गोल्ड सा एकदम कैटी सा लुक लगेगा, तो वो मुझे अच्छा लगता है। सो 146 रुपीज़ में हमको क्या चाहिए, ये एकदम परफेक्टली आपको मिल जाएगा कहीं भी। बाय द वे मैंने ऐसे लोकल स्टोर से खरीदा था, ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, मैंने चेक किया था ये अवेलेबल था। जो अवेलेबल नहीं था वो फर्स्ट वाली लिपस्टिक ही थी, आई होप कि वो आ जाए इस फेस्टिवल सीजन से पहले अवेलेबल हो जाए तो आप लोग खरीद पाओ इजीली। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सारी लिपस्टिक मैंने आपको लगा लगा के दिखा दिया, उस चक्कर में मैं आज मैंने वीडियो में ही लिपस्टिक नहीं लगाई, बिल्कुल ऐसे रो आ गई मैं, बट कोई बात नहीं आप लोगों के सामने क्या दिखावा करना। सो दिस इज इट फॉर टुडे इस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी लिपस्टिक सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो आप लोगों ने लिपस्टिक सारी देख लिया है, शेड देख लिया, कलर देख लिया है, अमाउंट देख लिया है, प्राइस देख लिया, सब कुछ देख लिया। सो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी अच्छी लगी एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Also subscribe this YouTube channel and I will see you in my next video. Till then take care, bye bye.